नमस्ते सर, पैंट उतारे और चप्पल लगा लो। नाम क्या तेरा? बोल। छोड़दास, शामलदास, चाचा। सुना भाई, और रट्टा मार लो, फाइनल ईयर तक याद हो जाएगा। पैंट उतार, पैंट उतार। अच्छा तो तू ऐसा नहीं सुनेगा। गीली पैंट नहीं पहनती बच्चों, चल उतार। क्या बोला? ये क्या बोल रहा है? टेक ऑफ योर पैंट्स और देयर गोइंग टू पिस ऑन यू। ओ अंग्रेज, हिंदी बोलने में शर्म आती है। सॉरी सर, आई वाज बोर्न इन उगांडा, स्टडीड इन पॉन्डिचेरी, सो लिटिल स्लो इन हिंदी। तो स्लोली समझाना इसे, जल्दी किसको है? फिर से पहन ले अपने वस्त्र, उतारिए नहीं तो ये आप पर मूत्र विसर्जन करेगा। इसको मूत्र विसर्जन बोला? पंडित आए इंजीनियरिंग पढ़ते। बारह, नहीं तो मैं तेरे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा। दस तक गिनूंगा, बाहर नहीं आया तो तुम्हें तो पूरा सेमेस्टर में तेरे दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करूंगा। एक, दो, तीन। अरे सुन, 3 लाज वोडका लेके। आप सोडा, हाफ पानी। यार मरवाओगे यार तुम लोग। और स्टार्टर्स में क्या है? यार जो भी है, दो दो प्लेट लिया। ये छोड़ दे। हाँ। और म्यूजिक चेंज कर यार, कुछ गजर लगा। पिया, what the hell is this? ये क्या पहना है? अरे 18th सेंचुरी की वॉच। यार लोग क्या बोलेंगे? सुहास की फियांसे को देखो, डॉक्टर बनने वाली है और 200 रुपए की घड़ी पहनती है। प्लीज टेक इट ऑफ। थैंक यू। हाय हैंडसम। हे आंटी, you're looking good. Don't miss my set, darling. Rubies? Mandalay se hain. Mandalay! Wow! Hey, let's go meet David. Of course, of course. Excuse me. Yes? Glass. ye glass mein le lo. Kyun? Aap glass phek ke marengi, mera sar phat jayega. Main aapko kyun marungi? Kyunki main aapko thodi si free advice dene wala hu. क्या? उस गधे से कभी शादी मत करिएगा।
Excuse me? वो आदमी नहीं, price tag है, price tag. Listen. जिंदगी भर आपको अलग अलग products के दाम बता बता के पका देगा. Hello. आपकी life बर्बाद हो जाएगी, your future will be finished. Demo दो. उसके जूते कितने के पता करूं? मैं नहीं पूछूंगा, वो खुद बताएगा. Yes. $300 के शूज हैं, पुदीने की चटनी और माय $300 शूज। भाग ले, फ्री एडवाइस से लेना चलो, नहीं तो जाने दो। Genuine Italian leather hand stitched. डैड, ये आपके गेस्ट हैं? ये तो मेरे स्टूडेंट्स, ये यहाँ क्या कर? एक सेकंड। छोले बहुत अच्छा लग रहा है, स्मेलिंग वेरी गुड। अबे पूरी के लिए जगह नहीं है, एडजस्ट कर लेना साइड में। अच्छा, हाय। हे, हाय। आपने मेरी आंखें खोल दी, थैंक यू सो मच। ऐसी क्या बात है, तो मेरा फर्ज था। कैन आई आस्क यू फॉर लिटिल मोर हेल्प? या या, मेरे डैड सुहास के साथ ये एंगेजमेंट तोड़ने नहीं देंगे। ओ, आप इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अगर आप उनको भी एक डेमो दे दे तो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, डेमो देंगे। राजू, हाँ चटनी दे। You're really sweet. कहाँ है डैडी आपके? बिल्कुल आपके पीछे। भाग लो, फ्री एडवाइस है, लेना है तो लो, नहीं तो जाने दो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर लिफाफा देके आते हैं सर स्टेज पे। मुझे दे दो, मेरी बहन की शादी है। बहन? सर आपकी टोटल कितनी बेटियां हैं? सर खाली है। तू दला नहीं रहा तू? वैसे हमने तो आपको बुलाया नहीं, आप शायद लड़के वालों की तरफ से होंगे। नहीं सर, हम एक्चुअली साइंस की तरफ से हैं सर, साइंस की तरफ से। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? डैड ये एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हैं, अभी डेमो देंगे, दो ना। सर एक्चुअली दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी बहुत जाती है सर, और शादियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है सर उसकी वजह से, तो मैंने सोचा कि एक ऐसा इन्वर्टर बनाऊं जो शादी में आई हुई गाड़ियों की बैटरी से पावर ले सर। अच्छा, वाव, तो बना दिया इन्वर्टर? सर डिजाइन रेडी है। डिजाइन कहाँ है फरहान? डिजाइन दिया था ना तुझे? हाँ मैंने राजू को दिया था। राजू डिजाइन? सर एक्चुअली डिजाइन छोड़िए ना सर, सर मैं आपको डायरेक्ट इन्वर्टर बना के दिखाता हूँ। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो, इन्वर्टर नहीं। नहीं सर, सर मैं आपको इन्वर्टर जरूर बना के दिखाऊंगा सर, आई प्रॉमिस। और उसको आपका नाम दूंगा सर, क्योंकि आफ्टर ऑल आपकी बेटी की शादी में इन्वेंट हुआ है, तो इट विल बी एन ऑनर। फरहान, राजू, आप दोनों से कल मैं ऑफिस में मिलना चाहूंगा। ऐसी एक्सपेंसिव गिफ्ट की मुझे आदत नहीं है सुहास। आदत डाल दो पिया, यू गोना बी सुहास टंडन्स वाइफ। Where's the bill, man? I'll be back, huh? Speech तुमने चेंज की थी? झूठ मत बोलना। हाँ। तुम्हें डैड से क्या प्रॉब्लम है? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो उनके नाम का इन्वर्टर बना रहा हूँ, ये देखो। क्यों मेरे डैड के पीछे पड़े हो? हाँ क्योंकि वो कॉलेज नहीं फैक्ट्री चला रहे हैं, जिसमें हर साल गधे मैन्युफैक्चर होते हैं। वो देखो वो तुम्हारा गधा। How dare you call him a गधा? तो और क्या बोलूं? पहले इंजीनियरिंग की, उसके बाद एमबीए किया, उसके बाद अमेरिका जाके बैंक में नौकरी कर रहा है। अगर बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग काहे के लिए किया? ऐसे गधों के लिए लाइफ सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होता है। तुम में प्रॉफिट नजर आ रहा है इसलिए तुम्हारे साथ है। डायरेक्टर की बेटी हो, डॉक्टर बनने वाली हो, उसकी इमेज के लिए अच्छा है वगैरह वगैरह, उसको तुमसे कोई लगाव नहीं है। और तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या मतलब सुहास को मुझ में इंटरेस्ट नहीं है? हां अरे ओ नहीं घड़ी, एक मिनट पकड़ना। तुमको क्या हर वक्त डेमो दिखाना पड़ता है? ए सुहास कहां थी? I've been looking for you. घड़ी गुम गई उसकी यार, ढूंढ रही बेचारी। What? You lost the watch? अरे कोई नहीं यार, नहीं ले लेना। अरे चालाकी थी।
400 मेरी तो 250 की है लेकिन टाइम वही बताती है शट अप हाउ कुड यू बी सो केयरलेस पिया दिस कैलस एटीट्यूड इज डिस्गस्टिंग इट्स डिसरिस्पेक्टफुल बट दैट वाज अ लिमिटेड एडिशन वॉच यू जस्ट लॉस्ट फ्री में मिली तो बस अब दिन पे पहनना वो तुम्हारी 18th सेंचुरी की घड़ी क्या क्या घूर रहे हो लो लो अब रोना शुरू रियल मैच्योर पिया आई कैंट हैंडल दिस अब रोना बंद करो और ढूंढो कोई और हाथ ढूंढ लेना इस घड़ी के लिए गधे तो सॉलिड है यार उसको मुंह पे गधा बोल दिया हाँ गेट लॉस्ट यार बहुत शोर है ना यहाँ पे हाँ। मुझे थैंक यू बोल रही है मुझे गेट लॉस्ट सुनाई दे गेट लॉस्ट ही बोला अरे इतना क्या भड़क रही हो तुम्हें पता है एक्चुअली तुम्हें भी कभी उसके साथ प्यार था ही नहीं व्हाट डू यू मीन मतलब ये कि जब वो तुम्हारे सामने आता है तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हवाएं चलने लगी स्लो मोशन में दुपट्टा उड़ने लगा या आसमान में चांद कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ऐसे सिर्फ फिल्मों में होता है रियल लाइफ में नहीं अरे नहीं नहीं रियल लाइफ में भी होता है इंसानों के साथ प्यार करोगे तो होगा गधों के साथ नहीं होता क्या है सर नेस्ट किसका सर कोयल बर्ड क्या नेस्ट कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती वो अपने अंडे दूसरों के घोंसले में रखती और जब उसके बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते वो बच्चे दूसरे अंडों को धक्का मार के घोंसले से गिरा देते हैं कॉम्पिटिशन ओवर The life begins with murder. That's nature. Compete or die. You also are like the coil birds. और ये वो अंडे जिनको धक्का मार के तुम लोग आईसीयू में पहुंचे Don't forget कि हर साल आईसीयू में 400,000 applications आते हैं और उनमें से सिर्फ 200 select होते हैं You और ये Finished. Broken eggs. मेरे खुद के बेटे ने 3 साल अप्लाई किया था Rejected. Every time. Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाएगा Let me tell you a very interesting story. ये astronaut's pen है स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन कुछ नहीं चलता तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिसे कोई भी एंगल कोई भी टेम्परेचर जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं वन डे व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट द डायरेक्टर ऑफ आवर इंस्टीट्यूट कॉल्ड मी ही सेड वीरू सर सुबुद्दे आई सेड यस सर कम हियर तो मैं डर गया ही शोड मी दिस पेन ही सेड दिस इज अ सिंबल ऑफ एक्सीलेंस आई गिव इट टू यू और जिस दिन तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट मिले तो ये पेन उसे पास ऑन कर देना 32 साल से वीरु शास्त्र बुद्धि इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट वीरु शास्त्र बुद्धि क्या इस बैच में कोई है जो ये पेन ले जाएगा गुड हैंड्स डाउन नोटिस बोर्ड पे लिखो I said, put down your hands. Sir, मेरा एक सवाल है सर सर स्पेस में फाउंटेन पेन बॉल पेन चलता नहीं है तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया लाखों डॉलर बच जाते सर I will get back to you on this. Is a machine. आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? Actually, sir, बचपन से चाहता था कि इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ूं. आज यहाँ बैठा हूँ बहुत मजा आ रहा है सर ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है बोलो मशीन का डेफिनेशन बोलो सर
A machine is anything that reduces human effort, sir. Will you please elaborate? हर वो चीज़ जो इंसान का काम आसान करे या वक्त बचाए वो मशीन है सर. गर्मी लग रही है, बटन दबाया, हवा चालू, फैन, मशीन है सर. मीलो दूर आप अपने दोस्त के साथ बात कर सकते हैं, टेलीफोन, मशीन है सर. करोड़ों का हिसाब चुटकी में करता है कैलकुलेटर, मशीन है सर. सर एक्चुअली हम मशीनों से घिरे हुए हैं सर. पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब मशीन है सर. एक सेकंड में डाउन. डेफिनेशन क्या है सर? वही तो बता रहा हूँ सर. एग्जाम में यही सब लिखोगे? ये मशीन है, अप डाउन. इडियट. एनीबडी एल्स? यस सर. मशीन्स आर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी सो कनेक्टेड दैट देयर रिलेटिव मोशंस आर कंस्ट्रेंड एंड बाय व्हिच मींस फोर्स एंड मोशन मे बी ट्रांसमिटेड एंड मॉडिफाइड एज अ स्क्रू इन इट्स नट और लेवर अरेंज्ड टू टर्न अबाउट अ फुलक्रम और अ पुली अबाउट इट्स पिवट एटसेट्रा. एस्पेशियली अ कंस्ट्रक्शन मोर और लेस कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग पार्ट्स और सिंपल मैकेनिकल एलिमेंट्स एज व्हील्स, लेवर्स, कैम्स एटसेट्रा. Perfect. Please sit down. Thank you. लेकिन सर मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में. आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए. लेकिन सर मतलब भी तो समझ में आना चाहिए, ऐसे किताबी डेफिनेशन रट के क्या फायदा? आप किताब से ज्यादा जानते हैं. किताब में यही डेफिनेशन है और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे. लेकिन सर और भी तो किताबें हैं जिसमें आसान भाषा में भर जाइए. Idiot. So we were discussing about the machine. अरे तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूं सर. क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate, and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement, and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. अरे कहना क्या चाहते हो? किताबें सर, books. Books भूल गया सर, ले लो. तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया. वैद्यनाथन प्लीज सिट डाउन. आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं. तो आज प्रोफेसर रणछोड़दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाए. We do not have all day. आपके पास 30 सेकंड हैं बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है. आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं. जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा. देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप सर, टाइम अप. क्या किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का एक मिनट रिवाइंड करो और सोचो. जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर
नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर कुकर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है। लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास। उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। इंजीनियरिंग नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता।